Good morning students, I am Anamika, your English teacher. Today I will teach you chapter 1, class 3. In chapter 1, your chapter is singular and plural noun. What is singular and plural noun? हम लोग सभी जानते हैं कि एक वचन और बहुवचन. One person, one ideas and one names and more than one. That is सिंगुलर एंड प्लुरल. तो यहाँ हम लोग देखेंगे व्हाट इज सिंगुलर नाउन एंड प्लुरल नाउन एंड नेक्स्ट वन वी विल सी हाउ फॉर्मिंग सिंगुलर टू प्लुरल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर नाउन एंड प्लुरल नाउन. सिंगुलर नाउन, अ सिंगुलर नाउन मींस वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज. सिंगुलर नाउन उसे कहते हैं जिसमें कि वन पर्सन, अ प्लेस, थिंग्स और आइडियाज किसी भी एक व्यक्ति या एक जगह या एक तरह के एक विचारों को व्यक्त किया जा रहा है उसे ही सिंगुलर नाउन कहा जाता है. जैसे अ बुक, इसमें अ बुक एक किताब के बारे में बताया जा रहा है, दैट इज अ बुक, इट इज योर सिंगुलर नाउन. और टेबल, एक टेबल, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन प्लुरल नाउन. प्लुरल नाउन सिंपल वेज प्लुरल नाउन इज व्हिच काउंटेड मोर देन One, जिसमें कि जिसकी संख्या एक से ज्यादा हो उसे ही प्लुरल नाउन कहा जाता है. यहाँ हम लोग देखेंगे अ प्लुरल नाउन मींस मोर देन वन, जिसमें सिंगुलर नाउन हैविंग ओनली वन पर्सन एंड प्लुरल नाउन इज मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, जिसमें एक से ज्यादा हो. जैसे एग्जांपल बुक्स, बुक्स दैट मीन्स एक से ज्यादा बुक, मोर देन वन बुक. टेबल्स, एक से ज्यादा टेबल्स, एक्सेट्रा. नाउ वी विल सी हाउ टू फॉर्मिंग सिंगुलर टू प्लुरल नाउन. सिंगुलर नाउन को किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लुरल नाउन्स में कैसे बदलेंगे. देयर आर सो मेनी सम रूल्स आर फॉर्मिंग सिंगुलर टू प्लुरल नाउन. सम रूल्स आर एक्सप्लेन हियर. सो जनरली वन रूल्स, सामान्यतः सिंगुलर को प्लुरल बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ दिया जाता है. जनरली किसी भी सिंगुलर नाउन को, जैसे एस सी बुक, अ बुक, दिस इज सिंगुलर नाउन. बट हियर बुक्स, इसमें जनरली हम लोगों ने एस जोड़ा तो ये हो गया आपका प्लुरल नाउन. बट हियर इज सेम सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन. बी, मधुमक्खी, दैट मींस एक मधुमक्खी, प्लुरल कन्वर्ट बीज, लास्ट वर्ड इज हैविंग एस, बीज, दिस इज योर प्लुरल नाउन. चेयर, इट इज सिंगुलर. नेक्स्ट वन चेयर्स, लास्ट में हम लोगों ने एस जोड़ा है, इसे ये हो गया आपका प्लुरल नाउन. नेक्स्ट वन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, बट किसी भी नाउन के अंत में वाई हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को बदल करके आई ई एस लगा दिया जाता है. तो किसी भी नाउन में अगर लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स हो, तो जैसे यहां देखेंगे आर्मी के लास्ट में आपका वाई वर्ड है, तो यहां पे हम लोग आर्मी नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा. तो ये रूल्स को हमेशा याद रखेंगे कि वाई को आई ई एस में कन्वर्ट करेंगे. वाई नहीं लिखना है, वाई चेंज इंटू आई ई एस, वाई चेंज इंटू आई ई एस, वाई को हम लोग आई ई एस में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट वन बॉडी, बॉडी को बी ओ डी आई, यहाँ वाई का वाई मेंशन नहीं किया गया है, सो बी ओ डी आई ई एस बॉडीज, दिस इज योर प्लुरल नाउन. सो टुडेज क्लास, डू फेयर एंड रीड दिस चैप्टर एंड डू फेयर इफ एनी क्वेरीज देन प्लीज राइट अवर कमेंट बॉक्स.